हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर ही होंगे, फैमिली के साथ होंगे, अपनों के साथ होंगे और इस पर्सनल टाइम का, इस फैमिली टाइम का भरपूर आनंद दे रहे होंगे। हाउ टू मेक प्लूरल्स की ये तीसरी क्लास है जिसमें हम सीखेंगे कि ईएस सफिक्स के साथ कैसे प्लूरल बनाया जाता है। तो जब भी कोई इंग्लिश वर्ड का अंत इन पांचों में से किसी एक के साथ होता है, पांचों कौन, एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर ओ, इन पांचों में से कोई भी अगर किसी इंग्लिश वर्ड के एंड में आता है, लास्ट लेटर्स होते हैं इनमें से कोई भी, तो फिर हम ई एस को इनके बाद जोड़कर, याद रखिएगा अब हम किसी को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब हमारा जो सफिक्स है वो सिर्फ दो अक्षर का है, दो लेटर्स का है। इसके पहले चाहे वो आई एस था या वी एस था, वहाँ तीन लेटर्स थे, तो उसे ऐड करने के लिए हमें उसके लिए प्रोनंसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए उसके लिए स्पेस बनाना था, तो हम रिप्लेस कर रहे थे। अब हमें रिप्लेस नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है। क्या ऐड करेंगे, ई एस। कब ऐड करेंगे, जब इन पांचों में से कोई भी एक इंग्लिश वर्ड स्पेसिफिकली नाउन के अंत में आ रहा हो। उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड विद सर्टन एग्जांपल्स। जैसे एस्क वाला एग्जांपल लेते हैं हम, बस यहाँ लास्ट लेटर है एस, तो हमें क्या करना है, वी विल ऐड ई एस आफ्टर इट, सो वी विल गेट बसेस विच इज द प्लूरल ऑफ बस। फिश दूसरा एग्जांपल है एस एच का, लास्ट लेटर्स एस एच है यहाँ, तो हम इसमें ई एस ऐड करते हैं और हमें मिलता है फिशेस विच इज द प्लूरल ऑफ फिश। फिर वॉच घड़ी, जिसमें लास्ट लेटर है सी एच और उसमें हम ऐड कर रहे हैं ई एस सी एच के आखिर में, तो हमें मिल रहा है वॉचेस। जनरली ये वर्ब की तरह भी काम करता है वॉच, लेकिन यहाँ हम इसको एज ए नाउन ले रहे हैं। अगला एग्जांपल है बॉक्स, जिसमें लास्ट लेटर है एक्स, तो हम देखेंगे एक्स के बाद हम जोड़ेंगे ई एस और हमें प्लूरल मिलेगा बॉक्सेस। इसी प्रकार से हमारा आखिरी उदाहरण है, द लास्ट एग्जांपल इज फॉर द लेटर ओ, मैंगो, लास्ट लेटर है ओ, तो हम इसमें भी ई एस ऐड करेंगे और हमें मिल जाएगा मैंगोस विच इज द प्लूरल ऑफ मैंगो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप ढूंढ सकते हैं जिनमें आखिरी लेटर्स एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर ओ हो और उनके साथ ई एच जोड़कर आप उनको, उनका प्लूरल फॉर्म बनाने का प्रयास कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन एंड वी हैव वन मोर सफिक्स अहेड और उसके बाद कुछ अनऑर्थोडॉक्स या फिर जो रूल्स के अगेंस्ट या रूल्स को फॉलो नहीं करते ऐसे कुछ प्लूरल्स को हम देखेंगे। तो ट्राई टू फाइंड आउट न्यू वर्ड्स विद दीज लेटर्स एट द लास्ट एंड होपफुली यू वुड बी एबल टू सॉल्व देम और टू कन्वर्ट देम इनटू द प्लूरल फॉर्म्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।